इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। हे रब्बी, तुझे याद है वो व्यक्ति जो यर्दन के पार तेरे साथ था, जिसकी गवाही तूने दी? देख, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम मेरे गवाह हो जो मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है और दूल्हे की आवाज से खुश हो जाता है। अब मेरी यह खुशी पूरी हुई। अवश्य है कि अब वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें सुनता है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है, जो उसने देखा और सुना वही बताता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। पर जो उसकी बात सुनता है छाप लगाता है कि परमेश्वर सच्चा है। जिसे परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा से उसे भर भर कर देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और हर चीज उसके अधिकार में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन नहीं पाएगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है।